दोस्तों स्क्रीन पर आपको आईफिल टावर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये असली आईफिल टावर नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आईफिल टावर पेरिस में है, और जो आप देख रहे हैं वह रूस में बनाया गया टावर है जो बिल्कुल आईफिल टावर की तरह ही नजर आता है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के जिस गाँव में इसे बनाया गया है उस गाँव का नाम पेरिस ही है। दुबई, जो कि दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है, यह अपनी दौलत, शोहरत और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की 24% क्रेन्स मशीन केवल दुबई की कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग 30,000 है। दोस्तों रूस का महान शासक पीटर द ग्रेट, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, इन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब नली में इन्फेक्शन था। कहा जाता है 1724 में जब इनकी सर्जरी की गई तब डॉक्टर्स ने इनकी बॉडी से लगभग 2 लीटर पेशाब बाहर निकाला था। क्या आपने स्केलेटन फ्लावर का नाम सुना है? स्केलेटन फ्लावर एक ऐसा फूल है जिसके आर पार देखा जा सकता है। नॉर्मली यह फ्लावर सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन पानी पड़ते ही यह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ज़्यादातर स्केलेटन फ्लावर जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में पाया जाता है। क्या आपको पता, यूएस का पक नाम का तोता दुनिया का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा पक्षी माना जाता था। पक नाम के इस तोते को 1728 वर्ड याद थे, यहाँ तक कि यह कभी कभी खुद के सेंटेंस बनाकर बोला करता था। इस तोते को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट वोकेबलरी फॉर अ वर्ड के रूप में शामिल किया गया है, जिसका रिकॉर्ड 1995 से आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। स्नोबडीज मूवी, जो कि कॉमेडी मूवी थी, ज़्यादातर लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मूवी की शूटिंग के समय 5 कुत्ते मारे गए थे। दरअसल खराब मौसम के चलते इन कुत्तों को पावो वायरस ने जकड़ लिया था, जिसके चलते इनकी मौत हो गई थी। दोस्तों 2013 जर्मनी में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। 2013 में एक बैंक वर्कर पैसा ट्रांसफर करते करते कीबोर्ड पर सिर रखकर सो गया था और गलती से 2 नंबर की बटन दबी रह गई, जिसके कारण एक अकाउंट होल्डर के खाते में $293 मिलियन यानी लगभग 23 अरब रुपए ट्रांसफर हो गए थे। बाद में एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों क्या आपने ग्लोबोफोबिया का नाम सुना है? ग्लोबोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को गुब्बारों से डर लगता है, और ऐसे लोग किसी भी तरह के फंक्शंस को अटेंड करने में हमेशा डरते हैं। क्या आपको पता, बैम्बू शार्क एक ऐसी मछली है जो पानी से निकालने के बाद भी जमीन पर 12 घंटे तक जीवित रह सकती है। टॉम एंड जेरी कार्टून शो तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टॉम हमेशा जेरी के पीछे पीछे भागता रहता है और जेरी को चेस करता रहता है। क्या आपको पता है, नासा ने भी कुछ इसी तरह के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो एक दूसरे को चेस करते हुए हमारी अर्थ का चक्कर लगाते हैं। दरअसल ये दोनों सैटेलाइट चक्कर लगाते हुए ग्रेविटेशनल एनोमलीज का पता लगाते हैं। अब मज़ेदार फैक्ट यह है कि इन दोनों का निक नाम भी टॉम एंड जेरी ही है, लेकिन साइंटिफिक नाम की बात करें तो इन्हें ग्रेस एंड ग्रेस एफओ का नाम दिया गया है।